ये नीतीश कुमार अंधा और बहरा दोनों हो गए हैं। अभी 2021 है, 3 साल बीत चुका है उसके, कि जिनका 55 साल 56 साल एज हो चुका है, बताइए उन वोट के समय में बोला गया था कि हम 19 लाख का बहाली करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है, मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। बिहार में छात्र अभ्यर्थी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार और आयोग से मांग कर रहे हैं। उनकी मांग यही होती है कि उनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, उनके रोज़गार पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है, और अगर वैकेंसी आती भी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह हो जाती है, चाहे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे BPSSC हो, चाहे कोई भी बिहार का आयोग है। अब ये मामला जो है वो BTSC का है, यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। वो इसके कुछ अभ्यर्थी हैं जो अभी राजद के ऑफिस में आए हुए हैं, कार्यालय में आए हुए हैं, क्योंकि वो परेशान हैं 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसे लेकर अभी तक BTSC ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। अब ऐसे में ये आखिर करें तो क्या करें, सरकार से आवाज़ लगा चुके, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी जाकर अपनी फरियाद कर चुके, मगर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में अब शायद ये विपक्ष से उम्मीद रखते हैं और विपक्ष का सहारा मांगने, विपक्ष से मदद मांगने राजद के कार्यालय में आए हैं, और हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या मामला है और क्या है पूरी बात। आपका नाम? मेरा नाम सुधांशु शिवानंद हुआ और मैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो चयन प्रक्रिया चल रही है जूनियर इंजीनियर का, उसका एक मैं अभ्यर्थी हूँ। और ये बहाली 2019 में आई थी, और 2019 में बहाली आने के बाद अभी 2021 है, 3 साल बीत चुका है उसके उपरांत भी हम लोग का अभी तक रिजल्ट को प्रकाशित नहीं किया गया है। इन रिजल्ट को प्रकाशन को लेकर के हमारा कुछ बच्चे, हमारे साथी कुछ गए थे मुख्यमंत्री जनता दरबार में, उनसे मुलाकात किए और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए, तो उनके द्वारा आयोग के अध्यक्ष से बात हुई। आयोग के अध्यक्ष का कहना था कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक रिजल्ट को प्रकाशित नहीं किया गया है। इसमें मतलब आयोग के अध्यक्ष से बात किया मुख्यमंत्री ने? जी, और वहां पर आश्वासन मिला कि अगस्त में प्रकाशित, कहना था कि रिजल्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, अब सिर्फ प्रकाशन की देरी है और हम लोग इसको प्रकाशित कर देंगे, लेकिन अभी तक प्रकाशित रिजल्ट नहीं किया गया है। और हमारे जब बच्चे वहाँ पर, हम लोग जाते हैं BTSC कार्यालय में, तो वहाँ से हम लोग को खदेड़ दिया जाता है। आज भी हम लोग BTSC कार्यालय में हम लोग आए हुए हैं, अभियंता दिवस है, अभियंता दिवस के मौके पर हम लोग सरकार को ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी बहाली 3 साल से प्रक्रियाधीन है, हम लोग बेरोज़गार हैं। इसमें से कई ऐसे हैं अभ्यर्थी जो बिहार सरकार में ऑलरेडी संविदा पे कार्यरत हैं, 10 साल से 15 साल से, अभी उन्होंने अपनी आधी उम्र खपा दी है, अब रिटायरमेंट के एज में हो गया। कुछ ऐसे हैं कि जिनका 55 साल 56 साल एज हो चुका है, बताइए उनका, वो 4 साल के बाद रिटायर कर जाएंगे, उनको क्या मिलेगा? हम सरकार को सेवा दे रहे हैं, अपने राज्य को मैं अपना सही समय दे रहा हूँ, और सही समय पर हमको रोज़गार नहीं मुहैया कराया जा रहा है। और इसमें जो बेरोज़गार हैं, जो अभी 4 साल 5 साल 6 साल से जिनका डिप्लोमा हो चुका है, उनको भी नहीं दिया जा रहा, और इस बेरोज़गारी का इस कदर से भयावह स्थिति हो चुका है, आप समझ ही सकते हैं। और इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार की तरफ से हम लोग को अनसुना किया जा रहा है अभी तक। तो इस संदर्भ में हम आज विपक्ष से आए हैं, विपक्ष के हम सामने आए हैं कि हम लोग की आवाज़ को ये विधानसभा में। तो क्या लगता है कि कितना आपकी सुनवाई होगी विपक्ष राजद? विपक्ष से हमको लगता है कि सुनवाई होगी, कारण इससे पूर्व में भी विपक्ष के 2-4 विधायक के द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन उठाया गया है था इस संबंध में। नीतीश कुमार जी के पास हमारे जितने भी कनीय अभियंता सब है, सब गए, एक बार नहीं कई बार गए हैं, बार बार गए हैं, लेकिन हम लोगों को लगता है कि ये नीतीश कुमार अंधा और बहरा दोनों हो गए हैं। वोट के समय में बोला गया था कि हम 19 लाख का बहाली करेंगे, अगर उस 19 लाख में जो पहले से हम लोग संविदा पर हैं उसको भी थोड़ा बहुत को कर लेगा, हम लोग संविदा पर मात्र 2000 हैं, 2000 को भी कर लेता वो भी हो जाता, लेकिन 19 लाख का सपना दिखा के किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। कम से कम जो आदमी जॉब में है, जो बेरोज़गार है, करीब 4 साल 5 साल से JEE का रिजल्ट लेके बैठे हुआ है, BTSC का काउंसलिंग हो गया है, काउंसलिंग के बाद कहा गया था कि अगस्त में हम रिजल्ट दे देंगे, लेकिन नहीं दिया। आपका नाम? मेरा नाम श्रवण कुमार है।
और हम लोग BTSC JEE का मांग रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट का रिजल्ट का मांग को लेकर यहाँ पे आए हैं। चूँकि हम लोग गया जिला से अभी मतलब पानी के भयावह स्थिति होने के बाद भी किसी तरह से भीगते हुए हैं। अभी मेरी तबीयत भी फिलहाल बहुत ख़राब हो चुकी है। तो हम लोग मतलब मेन पहले क्या हुआ था कि जनता दरबार में जब हम लोग जो सहपाठी लोग गए थे तो वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये बयान दिया गया था कि आप लोग के द्वारा मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट लगा। आपको क्या लगता है कि आपकी आवाज़ सरकार नहीं सुन रही है, विपक्ष सुनेगा? देखिए, कोशिश करना चाहिए हर एक इंसान को। अगर मदद किसी के लेने से अगर कोशिश सफल होती है तो मदद लेनी चाहिए। तो हम लोग मदद लेने के लिए, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो छात्र हैं, ये छात्र इस उम्मीद में है कि आखिर क्यों नहीं उनकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ रहा है। 2019 से 2021 आ गया, वक्त गुजरता जा रहा है, मगर ऐसा सारे आयोग की यही कहानी है बिहार के, कि जैसे आप BSSC की बात करते हैं, CSBC की बात करते हैं, कहीं भी हर जगह छात्र अभ्यर्थी परीक्षा दे देते हैं और ऐसे ही उनकी परीक्षा का रिजल्ट लटक जाता है, उनका नोटिफिकेशन नहीं आता। हमेशा हर जगह सरकार अनदेखा कर रही है। बिहार में जिस तरह सड़क पर उतरना पड़ता है छात्रों को अपने भविष्य की चिंता के लिए, वैसे ही सरकार को ये सोचना होगा कि बिहार को अगर सुधारना है, बिहार को अगर संवारना है, तो बिहार के इन अभ्यर्थियों को, जो आप देख सकते हैं कि ये छात्रों की भीड़ यहाँ जमा है, ऐसे ये छात्र हैं जिनका भविष्य अधड़ में लटका है। BSSC के 2014 के ऐसे छात्र हैं जिनकी 2014 से अभी तक उनका भविष्य लटका हुआ है। ऐसे ही हर तरफ आवाज़ उठ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ध्यान दें, आयोग ध्यान दें, वरना बिहार के भविष्य पर क्वेश्चन मार्क उठेगा। बिहार का भविष्य खराब करने में आप लोग अपनी भूमिका को कम करें, क्योंकि जिस तरह के हालात हो रहे हैं, सरकार जैसे अनसुना कर रही है, इन सारे मुद्दों को सरकार को देखना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए। अगर सरकार ये आवाज़ इनकी नहीं सुनती है तो ऐसी सरकार को फिर इनके दिल दिमाग में इन सरकार के लिए क्या कुछ उठेगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।